और स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अलावा तो हमने फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन भी समझे थे। एक और बात मेरे को ये भी जाननी थी, नहीं सर, आपने बस उधर तक ही कराया था वो फॉर्मूला लास्ट में पांच। ठीक है। तो सबसे पहले डाल लीजिए अप्रोच फॉर एल्जेब्रिक लिमिट्स, ये अप्रोच फॉर लिमिट्स आप ये डाल सकते। दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट कि हम किस तरीके से लिमिट्स के क्वेश्चन को अप्रोच करें, अप्रोच फॉर लिमिट्स। सबसे पहली चीज तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, आप एक बार सब्स्टिट्यूशन पुट करके देखिए, जो भी आपको लिमिट दी गई है डायरेक्टली पुट करो, अगर उससे कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है पुट एक्स डायरेक्टली, इफ वी गेट अ फाइनाइट आंसर तो वो तो कूल है, अगर फाइनाइट आंसर आ रहा है तो वही हो जाएगा उस लिमिट का आंसर, देन दैट विल बी द आंसर, बट मोस्टली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके दिखा देता हूँ। दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, राइट, एंड दिस इज एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन टू द पावर एक्स। अगर इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ तो मैं एक्स की वैल्यू डायरेक्टली रखूंगा, देखो डायरेक्टली रखने पर बनेगा थ्री अपॉन वन, थ्री थ्री टू पावर जीरो, आंसर आ जाएगा वन, राइट। अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पे मेरा आंसर फाइनाइट आ रहा है देन दैट्स कूल, वही होगा हमारा आंसर, बट अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन पे हमारा आंसर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे आंसर हमारा फाइनाइट नहीं आता है, लेट से द आंसर इज आइदर प्लस माइनस इंफिनिटी और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मेजरली तो हमें एक ही देखने को मिलेगी, बोल दो मैं आपको एक दो क्वेश्चन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के भी कराऊंगा, तो इसलिए मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। अगर हमें इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है तो सबसे पहली चीज तो आप सोचिए फैक्टराइजेशन के बारे में, क्या हम फैक्टराइज करके कुछ कर सकते हैं, आपके पास जो भी दिया हुआ है वहां से आप नॉर्मल अपना फैक्टर निकालिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एंड दिस इज टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, आपने डायरेक्टली सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट करा, सब्स्टिट्यूट करने पे आपको आंसर मिला इंफिनिटी, देखिए यहाँ पे बन जाएगा एक्स को वन रखते ही जीरो डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी बन जाएगा डिनोमिनेटर में जीरो, सो द आंसर वुड बी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। जैसे ही आपको प्लस माइनस इन्फिनिटी या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आंसर मिलता है आप सोचेंगे कि पहले इसका दूसरा तरीका देखते हैं, सो दूसरे तरीके के लिए वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फंक्शन ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, मतलब आपके पास एक ही डिनोमिनेटर होना चाहिए, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। अभी यहाँ पे मेरे पास दो एक्सप्रेशन है अलग अलग, दो न्यूमरेटर और दो डिनोमिनेटर आ रहे हैं, तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करके एक कॉमन एक्सप्रेशन पे पहुंचूंगा क्या बनता है। जैसे कि यहाँ पे अभी आप ध्यान से देखें तो इसको सिंप्लीफाई करने में भी आसानी होगी, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये भी 1 माइनस एक्स ही बन जाएगा, तो बेसिकली 1 अपॉन 1 माइनस एक्स में कॉमन ले सकता हूँ इससे, पॉइंट ये है। अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करना शुरू करूंगा तो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, अगर आप ऐसे करना शुरू करेंगे तो छोटी रहेंगी, तो ये आपको 2 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 ही निकालना है एक्चुअली, आप इसमें से 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। जब आप कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर बन जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, तो यही एक्सप्रेशन जो थोड़ी देर पहले ये दिख रहा था ये बन गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। देखो x टेंड्स टू 1 था अगर तो बेसिकली ये 0 अपॉन 0 इसीलिए तो दे रहा था, मतलब इन्फिनिटी आंसर या 0 अपॉन 0 अभी जो आपको दिखेगा वो 0 अपॉन 0 दिखेगा, वो आंसर इसलिए तो दे रहा था क्योंकि x टेंड्स टू 1 था कि अगर आप x को 1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और जीरो क्यों बन रहा होगा, क्योंकि एक्स माइनस वन रहा होगा, एक्स माइनस वन के लिए एक्स को अगर वन रखा जाए तो ये जीरो बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सोचना है कि एक्स टेंड्स टू अगर ए हो रखा है किसी भी जनरल लिमिट में, तो वहां पे ना ऊपर नीचे एक्स माइनस ए या ए माइनस एक्स कुछ ऐसा फैक्टर बन रहा होगा, मोस्टली ये इसकी वजह से हो रहा होगा। तो जब भी हमें ये दिखे कि इन्फिनिटी या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आंसर बन रही है, तो सबसे पहले तो सोचो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर ले जितना भी कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आपको अगर कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पूरा सॉल्व करने के बाद, तो उनको कैंसिल करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं वन माइनस एक्स को कैंसिल कर देता हूँ, अब देखो ऊपर बच गया वन, नीचे बचा वन प्लस एक्स, आप एक्स को डायरेक्टली वन पुट करेंगे, वन अपॉन टू आ जाएगा आंसर। तो दूसरा मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन का, कि अगर आपको मिलता है 0.0 या प्लस माइनस इंफिनिटी आंसर, तो आप एक बार जाओ वापिस क्वेश्चन पे, पूरा सॉल्व करो और ट्राई करो कि फैक्टराइजेशन से कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे केसेस में हो रहा होगा फैक्टराइजेशन से सॉल्व एक्चुअली, इसलिए वो देख लो। सेकेंड मेथड इज फैक्टराइजेशन। आपका कोई भी डाउट है प्लीज यू कैन आस्क मी। सर आपने वहां पे पूरा उसको सिंपलीफाई कर दिया, तो सिंपलीफाई करने के बाद भी वही आंसर आया था ना? हाँ हाँ यही तो आया सिंपलीफाई करने के बाद, यही मैंने लिखा हुआ था कि आपने मतलब ये आंसर आया था सिंपलीफाई करने के बाद, ये लिखा हुआ। सेकेंड आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो फैक्टराइजेशन की तरफ होनी चाहिए। यस हेलो सर, आपने यहाँ पे जो x माइनस ए और a माइनस x लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये भी वही है? ये वही बात है कि अगर x टेंड्स टू a हो रखा है, जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू 1 था, तो सर्च करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 या 1 माइनस x बन रहा होगा कुछ ना कुछ जब तू सॉल्व करेगा, क्योंकि x टेंड्स टू 1 होगा तो ये 0.0 तभी बनेगा ना जब ऊपर भी x माइनस 1 हो और नीचे भी x माइनस 1 हो। Yes, भाई x tends to 1 है तो x minus 1 पे 0 होगा या 1 minus x पे 0 होगा, x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, यानी कि x is equals to 1 एक रूट है, x is equals to 1 किसका रूट होगा? x minus 1 का होगा, इसे सोचना पड़ेगा हमें थोड़ा। सेकंड मेथड होगा हमारा फैक्टराइजेशन। थर्ड मेथड होगा हमारा, सर एक मिनट लिख रहे, एक मिनट ठीक लिख रहे। यस सर, हो गया। ओके सो द थर्ड मेथड विल बी रैशनलाइजेशन मेथड। सारी प्रॉब्लम्स इसी इन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड करी जा सकती है। रैशनलाइजेशन मेथड क्या कहते हैं कि अगर आपके पास, चलो पहले तो लिख लेते हैं, if we have radical signs, now पहली चीज radical signs क्या है? Radical signs है powers, पर powers हो आपकी upon में, like root, root को लिखते हैं power 1/2। तो radical signs का मतलब है कि अगर आपकी power 1/2, 1/3 etc. इस तरीके की हो, तब आप rationalization use कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका numerator और denominator में root वगैरह involved हो रहा है तो आप रूट को रैशनलाइजेशन के थ्रू पहले खत्म कर दो। इफ वी हैव रेडिकल साइंस इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या फिर दोनों में हो तो और ही अच्छी बात है।
तो आपको दोनों चीजें रैशनलाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू वन एंड द क्वेश्चन इज गिवन टू अस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस वन। इसको हमें लिमिट से सॉल्व करना है। अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं क्लियरली कि मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर रूट इन्वॉल्व है। जैसे ही मैंने देखा कि रूट इन्वॉल्व है तो मैं इस एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करूंगा। बट जब रैशनलाइज कर रहा हूं मैं, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर मेरा रूट में होता तो मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को करता, न्यूमरेटर को नहीं करता। अगर सिर्फ न्यूमरेटर होता रूट के अंदर तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर को रैशनलाइज करता, डिनोमिनेटर को नहीं करता। बट अगर दोनों रैशनलाइज रेडिकल साइंस के साथ हैं, रेडिकल साइंस बोले तो रूट दोनों पे लगा हुआ है, न्यूमरेटर में भी एक टर्म पर रूट लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी एक टर्म पर रूट लगा हुआ है, इन दैट केस आई रैशनलाइज बोथ ऑफ देम। मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से सो दैट माई न्यूमरेटर गेट्स रैशनलाइज, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा रूट एक्स प्लस वन से। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करा है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया रैशनलाइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी लिमिट्स में रैशनलाइजेशन करते हैं and if we have radical signs in numerator and denominator both, then we will rationalize both the expressions, not just one of them, not just denominator, right? ये conventional यही रहा है आज तक कि भाई सिर्फ denominator को rationalize करना है आपको, पर limits के case में आके थोड़ा change हो जाता है। limits में आपको numerator denominator दोनों rationalize करने पड़ेंगे। अब ये question solve होगा इसके बाद। Also one more thing, I want to draw your attention towards this. देखो ये जो थर्ड चीज आई है जो हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा है, करना तो पड़ा ही हमें सो दैट दिस इक्वेशन बैलेंस इज आउट, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क एज इन कि मतलब अगर मैं इसे पुट भी कर रहा हूं तो इसकी वजह से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है। आप एक्स को वन पुट करेंगे, देखो वन रूट वन वन आएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, ऐसे नीचे भी वन स्क्वायर प्लस रूट वन टू हो जाएगा, तो टू अपॉन टू वन ही है। सर आपका वॉइस थोड़ा टक रहा है। अभी ठीक है आलो? हाँ सर अब ठीक है। ओके, तो मैं यही कह रहा था कि एक्स्ट्रा फैक्टर जो आया है दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू वन रखते हैं तो दिस इज बेसिकली टू बाई टू ओनली, बेसिकली वन। So this won't affect our जो लिमिट थी उसको इफेक्ट नहीं करेगा, कोई अफेक्ट नहीं होगा इसका। चलिए आप जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, तो बन जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विच विल बी x की पावर 4, और रूट एक्स का होल स्क्वायर विच विल बी x, देन अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, और इसको भी मैंने अलग लिख दिया। क्योंकि अगर मैं इस पे लिमिट लगा रहा हूं तो इसका तो फाइनाइट आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जरा मेरे साथ x की पावर 4 माइनस x का सबसे पहले तो आप फैक्टराइजेशन देखिए। x की पावर 4 माइनस x में से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 1, 1 को 1 क्यूब भी लिख सकता हूं। So this is basically a cube minus b cube. A cube minus b cube का फॉर्मूला होता है a minus b, a square plus b square plus ab. तो ये जो चीज लिखी हुई है आपके सामने, आप इसे लिख सकते हैं x into x minus 1 into x square plus x plus 1 divided by x minus 1. तो a cube minus b cube का फॉर्मूला लगाते हुए मैंने इसको ओपन करा, और जो ये दूसरी लिमिट लिखी हुई है इस पे अगर मैं लिमिट डायरेक्टली पुट करता हूं तो ये आ रहा है 2 अपॉन 2 व्हिच इज 1 ओनली। यहां पे x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हुआ, आपने x की वैल्यू 1 रखी, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। सर आपने x की वैल्यू 2 लिख रखी है वहां पे? नहीं नहीं 1 ही है, 2 नहीं, तो आंसर हो जाएगा 3। तो अगर फैक्टराइजेशन वर्क नहीं कर रहा तो रैशनलाइजेशन करेगा,
यस सर, हो गया सर। हाँ जी, इसके बाद लास्ट मेथड जो होगा, ये जो दोनों मेथड आपने भी पढ़े, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन, ये नॉर्मली पता है आपके तभी वर्क कर रहे होंगे जब एलजेब्रिक लिमिट्स होंगे। बट अगर लिमिट्स आती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक, इन दैट केस हमें यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट पे जाना पड़ेगा। जितने भी हमारे रिजल्ट हमने लिखे थे तो यूज थ्योरम्स या यूज फॉर्मूले टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा भाई। आइए कुछ जगह जरा इसको लगाते हैं। क्वेश्चंस हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इवैल्यूएट फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दिस इज 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। We have to evaluate this. I'll give you 2 minutes. Okay, guys. I'll give you 2 minutes. Think about something. कैसे हम इसको limit solve कर सकते हैं? Just think about it. And please let me know about your findings. जो भी तुम्हें लगता है कि हम ऐसे कर सकते हैं या ये formula apply कर सकते हैं, just let me know. हाँ जी, मिला कुछ? आलोक, तेरे को तो मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता चुका हूँ, पता? हाँ सर, एक मिनट सोचने दो थोड़ा सा। चलिए याद करिए इस फॉर्मूले को। सर बट डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना माइनस में ए करके कुछ बनाएंगे ना दोस्त, तभी तो थ्योरम्स को यूज करना है। कैसे करें अब ये समझते हैं कैसे करें। तो यार ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स और 1, चलो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। पहली बात तो ये देखो, 1 की पावर n भी तो 1 ही होगा, क्या दिक्कत है? और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो x को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाली फॉर्म में नीचे भी चीज कन्वर्ट कर रहा हूँ। So, मैंने इसे माइनस से मल्टीप्लाई करा, मैंने नीचे माइनस एक्स लिखा, तो माइनस के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे बाहर भी माइनस लगाना पड़ा, सो दैट दिस बिकम्स पॉजिटिव। और मैंने एक 1 माइनस कर दिया, एक 1 ऐड कर दिया। ध्यान दो जरा, वही तो है। आप इस लेट कर लो y को 1 माइनस एक्स के बराबर, थोड़ी देर के लिए ऐसा लेट करो। When x tends to zero, जब x zero होगा तो y कितना होगा बता सकते हैं? जब x zero होगा तो y कितना होगा? सर y one हो जाएगा। y one हो जाएगा। तो I can convert this expression as limit minus times, तो पहले ही लगा देता हूँ, limit y tends to one, और one minus x की जगह y लिख दे रहा हूँ। y to the power n minus 1 to the power n upon y minus 1। देखो ना तो मेरे एक्सप्रेशन पे कोई चेंज आया, राइट? जो एक्सप्रेशन था वही आया, बस माइनस टाइम्स हो गया, ठीक है, वो तो नीचे मैनेज कर लिया था मैंने, पर ये फॉर्मूले में भी कन्वर्ट हो गया। द आंसर वुड बी माइनस n टाइम्स a टू द पावर, a है यहाँ पे 1, सॉरी माय बैड, 1 टू द पावर n माइनस 1, 1 टू द पावर n माइनस 1 इज 1, सो आंसर इज
माइनस एन। इस तरीके से हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी चीजें। कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये आपको दो तीन चार ट्रिक्स समझनी पड़ेंगी, यही है फेमस ट्रिक्स। एक ये एलजेब्रिक लिमिट्स के केस में। अच्छा सर, n माइनस वन तो कुछ भी करेंगे तो वन की वैल्यू तो वन ही आएगी ना। हाँ बिल्कुल। अब ये तो थी एक एलजेब्रिक लिमिट, अब हम सॉल्व करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। बट पहले अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर बिना वाई को लाए ऐसे नहीं कर सकते क्या? हाँ जी, कुछ नहीं कुछ नहीं सर, आ गया क्या आ गया। बोल रहे हो? नहीं आ गया सर, आ गया। हाँ जी, साइन टू एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के फॉर्मूले लिखवाए थे, तो यहीं पे हमने आपको एक बात समझाई कि साइन के इनपुट पे डिपेंड करती है ये सारी चीज। साइन का इनपुट अभी 2x है, तो मेरे को नीचे भी 2x ही चाहिए टू मेक साइन 2x अपॉन 2x एज 1। यस सर। बट अगर कभी भी हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्स्टेंट हम चाहते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, दैट इज नॉट अ बिग डील, वो बहुत इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए, तो आप ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 या 2x टेंड्स टू 0, जो चाहो। अगर x टेंड्स टू 0 है तो 2x भी टेंड्स टू 0 ही होगा और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1, तो आंसर आ जाएगा 2। सर एक मिनट, ये किया क्या? कुछ नहीं किया, साइन 2x अपॉन 2x का आंसर 1 कर दिया बस। तो 2 इनटू 1 2 आ गया, तो साइन 2x अपॉन x था ना, तो 2। हाँ तो 2x चाहिए था नीचे डिनोमिनेटर में, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। सर तो क्वेश्चन में साइन 2x अपॉन x था, न्यूमरेटर वाला 2 तो बाहर ही आ गया, डिनोमिनेटर बिल्कुल एक्स था। Am I audible? सर आपने बट ब्रैकेट तो दो पूरे के लिए डाला है, साइन 2x अपॉन 2x को बाहर में 2 किया तो Am I audible? यस सर, यस सर। ओके, देखो साइन 2x अपॉन x था बिल्कुल, बट मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को नीचे 2x ही चाहिए था ना सॉल्व करने के लिए, क्योंकि साइन के अंदर जो इनपुट है अगर उससे डिवाइड कर रहे हो आप तो कूल। बट मेरे पास 2x था तो नहीं, पर मैंने 2x बना लिया ना, ये बना लिया राइट। और अब मेरे पास लिमिट थी x टेंड्स टू 0, मैंने कहा अगर x टेंड्स टू 0 है तो 2x भी तो 0 ही कोई टेंड कर रही होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी क्या फर्क पड़ रहा है, 2x भी 0 को ही टेंड करेगा अगर x टेंड्स टू 0 है। अगर x tends to 0 है तो इसका मतलब ये भी 2 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो भी तो 2x tends to 0 है। तो हमने sin 2x upon 2x बना दिया, बेसिकली sin के अंदर जो इनपुट है वही उसका डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, तभी आंसर निकाल सकते हैं। sin 2x upon 2x इसका आंसर आएगा 1, तो आंसर आ गया पूरी लिमिट का 2। हाँ जी, आप बताओ कोई भी प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो। युवराज एंड आलोक, सर आपने पूरे 2x को 0 ले लिया तो वो साइन 0.0 के 2। अच्छा हाँ, आ गया सही है।
मतलब फॉर्मूला वही लगाना है. देख फॉर्मूला ये है एक्चुअली, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा या साइन एक्स अपॉन एक्स. अब तेरे पास जो अंदर इनपुट है, लिख देता हूं, तेरे पास जो भी इनपुट है उसको तुझे जीरो करना है. तो ये मैंने 2x टेंड्स टू जीरो लिखा, तुम नहीं भी लिखते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बस मैं तो तुम्हें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स पे समझाना चाह रहा हूँ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है. मैं ये और ऊपर भी मैंने आपको यही बताया कि अगर x टेंड्स टू जीरो है तो 2x भी टेंड्स टू जीरो ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो हमने ज्यादा कुछ अलग करा नहीं है वैसे, बस 2x टेंड्स टू जीरो हमारी अलग चीज थी. आंसर बन जाएगा 2. चलो जरा इसका आंसर बताओ, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इस तरीके की चीजें, साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 4x. इसका आंसर बताइए. सर अगर हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 2x टेंड्स टू 0 नहीं भी करते तो भी तो आ जाता ना. बिल्कुल बिल्कुल आ जाता, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम. हाँ जी, क्या करना चाहिए पहले तो मुझे ये बताओ, बात करता है क्वेश्चन तो हम सॉल्व ना करें क्या पहले अप्रोच. सर हम उसको पूरे में नहीं ले सकते, पूरा ब्रैकेट करके नहीं 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 ले सकते. यार देख साइन स्क्वायर 2x के लिए हमें नीचे 2x का होल स्क्वायर नहीं चाहिए क्या? सबसे पहले तो हमने देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसलिए करा क्योंकि अगर मैं साइन स्क्वायर 2x की बात करूं, साइन 2x के लिए मेरे को नीचे 2x चाहिए था. तो ऐसे ही अगर साइन स्क्वायर 2x लिखा हुआ है तो नीचे भी तो 2x का होल स्क्वायर ही चाहिए. सो दैट आई कैन राइट देम साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर वैसे, और इसकी वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर भी 1. तो मैंने दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और नीचे यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 4 से कर दिया. इसलिए करा क्योंकि गाइस देखो ये साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर एक्चुअली विल कन्वर्ट इनटू 4 टाइम्स साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, और नीचे कन्वर्ट हो जाएगा 16 टाइम्स साइन 4x अपॉन 4x का होल स्क्वायर. ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, आंसर बचेगा सिर्फ 4/16. सर वो लास्ट वाला अपने स्टेप फिर से बताना क्या क्या. कौन सा वाला बता जरा. हमने पहले दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड करा, अब ये sin स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर जो है इसको sin 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिख दिया ना भाई. ऊपर sin 2x का होल स्क्वायर लिखूंगा तो sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, और अगर 2x का होल स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा. नहीं ये देख, तूने इस चीज का होल स्क्वायर करा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 2x ही आएगा.
मतलब बस पावर यहाँ पे साइन स्क्वायर पे लगा देंगे और 2x को होल स्क्वायर करेगा तो 4x स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, तो इसको एक कॉमन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये ले मैं अलग सिर्फ फिर आपने तो इसको x स्क्वायर से यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है। माय बैड, ये देख दोस्त साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? ये बता मुझे आदित्य वो आलो। हाँ साइन 2x का होल स्क्वायर लिखूंगा तो यही बनेगा ना न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर 2x, और 2x का होल स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर बनेगा। देख इसी चीज को मैंने ये ऐसे नीचे लिख दिया, कोई गलत है क्या? पहले तो मुझे ये समझ के बता देना। So, मुझे वहां तक समझ आ गया कि आपने कैसे लिखा sin square 2x upon x square divided by sin square 4x upon x square, वो तो समझ आ गया। उसके बाद 4 multiply divide करा क्योंकि sin के अंदर 2x है ना input, तो अगर sin के अंदर 2x है input तो नीचे भी तो 2x ही चाहिए होगा नहीं, और फिर ऊपर sin square दिया होगा तो 2x का भी होल स्क्वायर चाहिए नीचे। सर तो बेसिकली दोनों सेम लाने के लिए ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। बिल्कुल एग्जैक्टली युवराज, फॉर्मूला ना पावर के अंदर लेके जा सकते हैं, पावर से बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ये पूरी पावर के अगर अंदर कुछ फॉर्मूला बन रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तूने यहाँ पे x स्क्वायर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया और sin स्क्वायर 2x को भी 4 से मल्टीप्लाई किया? नहीं यार उसको तो 16 से किया था। नहीं साइन स्क्वायर 2x उसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा क्योंकि नीचे 2x बनाना था। अच्छा ये देख साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर साइन स्क्वायर x पे मेरे को फॉर्मूला लगाना है, हम इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं वैसे तो, पर अगर साइन स्क्वायर x पे मेरे को फॉर्मूला लगाना है तो नीचे x स्क्वायर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं इसे साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। साइन x का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर x, x का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर। अब अगर मान ले मेरे को ऊपर दिया हुआ है साइन स्क्वायर 4x तो नीचे भी मेरे को 2x का होल स्क्वायर चाहिए, सो दैट सॉरी नॉट 2x का होल स्क्वायर, अब चाहिए 2x का होल स्क्वायर। तो जो साइन के अंदर इनपुट है और जो साइन की पावर है वही नीचे भी चाहिए, वही इनपुट और वही पावर, सो दैट आई कैन राइट दिस एज साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। ये करना होगा लोगों को। तो पावर का भी ध्यान में रखते हुए चलना है, जो पावर दी गई है इनपुट तो सेम होना ही चाहिए, इनपुट की पावर भी वही होनी चाहिए जो साइन की पावर दी हुई है। इसीलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा क्योंकि मुझे पता था 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर बन रहा है, ऐसे नीचे देख 16 से करा क्योंकि 16 4x का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आंसर आया 4 बाई 16 क्योंकि ये तो बन जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1 बाई 4 आंसर बन गया एक्चुअली। तो सर एक मिनट में थोड़ा लिख लेता हूँ। बिल्कुल मुझे इसका आंसर बताइएगा इसके बाद जिसका भी मुझे।
हाँ जी, जैसे ये नोट हो जाए ये क्वेश्चन करना है। साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए और बी कोई कांस्टेंट है, यानी कि ए और बी की टर्म्स में आप आंसर दे सकते हैं। सर बट जैसे साइन टू एक्स बाई टू एक्स तो वन होता है जो आपने पहले लिखाया था, वैसे सही सर साइन फोर एक्स बाई फोर एक्स वन नहीं आपने यहाँ पे लिख रखा है? आलोक क्या लिखा हुआ है फिर से बोलेगा? सर आपने लास्ट स्टेप में लिख नहीं रखा है साइन टू एक्स बाई टू एक्स द होल स्क्वायर? सर तो उसका फोर फोर क्यों आया? बट अगर आपने पहले में एक जगह लिखवा रखा है वहां पे साइन टू एक्स बाई टू एक्स इक्वल टू वन, यार तो यही तो वन आया, फोर था थोड़े ना नीचे, फोर लाने के लिए मेरे को फोर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा था? नहीं सर वो नहीं, लास्ट एकदम लास्ट स्टेप नीचे एकदम। अरे दोस्त लास्ट ही कह रहा हूँ, ये वन ही है, वन ही है, ये वन ही है, ये भी वन ही है, पर फोर बाई सिक्सटीन बाहर तो है ना, ये भी तो देख भाई, साइन स्क्वायर टू एक्स को जब तू चेंज करेगा तो नीचे टू एक्स का होल स्क्वायर आएगा। यस सर। अब टू एक्स का होल स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर से तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, जब मैंने एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करा तो उसका ये मतलब हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पर। फिर मुझे न्यूमरेटर के लिए चाहिए था फोर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर में चाहिए था 16x2, तो वो भी तो बनाना पड़ा। ये सेकंड स्टेप क्यों भूल रहा है? ये यहाँ पहले यहाँ से भाई यहाँ पे आए हैं, ये तो देख ले जरा एक बारी, ये हमने कैसे बनाया? यस सर। तो फोर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा तभी तो 4x2 बना, इसकी वैल्यू वन ही है पर फोर ये आ तो गया एक्स्ट्रा, ऐसे नीचे 16 आ गया एक्स्ट्रा, इसकी वैल्यू अंदर वाले की वन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4/16 पर वैल्यू इसकी तरफ से तो आएगी ना निकल के, क्योंकि आपने नीचे अपनी तरफ से चेंज किए। यस सर, यस सर, समझ तो आ गया। अच्छा ये करो पहले, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, साइन ए एक्स के लिए क्या चाहिए मुझे नीचे? भाई साइन ए एक्स को अगर सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है, तो नीचे भी तो ए एक्स ही चाहिए गाइस। सर आंसर ए अपॉन बी है। बिल्कुल करेक्ट है युवराज, ए अपॉन बी। अब मुझे नीचे चाहिए था ए, पहली बात तो मैंने नीचे से बी बाहर निकाल लिया, वन अपॉन बी को तो बाहर ही निकाल के रख दिया क्योंकि बी तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं। नीचे ए था नहीं, मैंने ए अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा तो ए को मुझे न्यूमरेटर में भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। नाउ दिस साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इज वन, आंसर बचेगा यहाँ पे ए, आंसर आ जाएगा ए बाई बी। सर आपने इस वाले में बी को बाहर निकाल लिया और ए को ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करा जैसे आपने पहले किया था। बिल्कुल। मतलब कि इसको आपने सिंपली आप सिंपलर फॉर्म में लाना चाह रहे हो है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो जरा ये करो, ये कुछ बेसिक बेसिक अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स को करके दिखाओगे सॉल्व क्या होना चाहिए? भाई साइन की प्रॉपर्टी लगाने के लिए प्लीज 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 फोकस, साइन की प्रॉपर्टीज लगाने के लिए, साइन की प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपको साइन का जो इनपुट दिया हुआ है, सपोज मुझे ए एक्स दिया हुआ है तो उसके न्यूमरेटर में, अगर उसके डिनोमिनेटर में भी ax मिल जाए तो आंसर वन हो जाएगा। तो ट्राई टू मेक दैट, वही कर रहे हैं हम पिछले कुछ टाइम से, दोनों तीनों क्वेश्चंस में, पिछले लास्ट थ्री क्वेश्चंस में हमने सेम काम करा है।
साइन के इनपुट में जो लिखा हुआ है वही बनाना है उसके डिनोमिनेटर में। सर सेम आंसर है ए अपॉन बी। यस सर। कूल करेक्ट। हाँ जी देखिए भैया, साइन ए एक्स पे फॉर्मूला लगाना है, नीचे एक्स तो चाहिए ही। साइन बी एक्स पे फॉर्मूला लगाना है, नीचे एक्स तो चाहिए ही। पर नीचे एक्स नहीं चाहिए, सिर्फ बी एक्स चाहिए। बी एक्स बनाने के लिए ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक्स से डिवाइड कर देंगे पहले। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना था, तो एक्स से डिवाइड करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऊपर वाले का डिनोमिनेटर चाहिए ए एक्स, नीचे वाले का चाहिए बी एक्स, तो वो बना लो अपनी मर्जी से ऐसे। सर बट मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने बी को बाहर निकाल के ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे निकाल देगा यार बी को बाहर, मुझे समझा जरा। साइन के अंदर से बाहर निकाल देगा, मतलब तू ये कह रहा है कि साइन टू एक्स का आंसर टू साइन एक्स होता है? हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, हमें पता है साइन टू एक्स का आंसर टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है। बट यू आर सेइंग कि साइन टू एक्स इज टू साइन एक्स, कि मैं ऐसे टू बाहर निकाल सकता हूँ इससे? How is this possible? Hello. भाई साइन से कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते यार दोस्त, साइन से कैसे बाहर निकाल देगा तू? कभी हमने नहीं निकाला, तूने तू कैसे निकाल रहा है? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, तो साइन 2x जो होगा वो 2 sin x cos x होगा। वो तो पता ही है, मैं हम ही बता रहे हैं तुझे sin 2x 2 sin x cos x होगा। पर मैं तुझे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि sin के अंदर जो भी एंगल बना हुआ है तेरे को डिनोमिनेटर में भी वही एंगल लेके आना है। उसके लिए पहले तो तू x लेके आ। जैसे तू x लेके आएगा उसके बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे वही सेम एंगल बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स था, मैंने कहा साइन ए एक्स के लिए भी नीचे ए एक्स चाहिए, पर ए एक्स से भी पहले एक्स चाहिए, तो न्यूमरेटर को भी एक्स से डिवाइड करा, डिनोमिनेटर को भी एक्स से डिवाइड करा। अगले स्टेप में न्यूमरेटर वाली टर्म में ए से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर वाली टर्म में बी से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर है ए इंटू साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स वन है, साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स वन है। न्यूमरेटर में बचा सिंपल ए, डिनोमिनेटर में बचा सिंपल बी, ए अपॉन बी आंसर हो गया। नहीं अच्छा डाउट पूछ ले जो भी हो, आज की क्लास यहीं पे खत्म है, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Alok, you can ask your doubts if you have some. As soon as you are done with the question, you can leave.